ओके, हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करते हैं। फिजिक्स का लास्ट क्लास में हमने एनर्जी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, और एनर्जी के जो टाइप होते हैं अलग अलग, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में मैंने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। पोटेंशियल एनर्जी होती है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजिशन की वजह से जो एनर्जी होती है। और एनर्जी क्या आती है एक्चुअल में, कि कोई किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एबिलिटी है टू डू वर्क, है ना, द एबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, और उसकी वजह से जो एबिलिटी है उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है। और एनर्जी के जो क्लासिफिकेशन है, अलग अलग तरह से एनर्जी के फॉर्म रहते हैं, उसमें से जो मेन जो फॉर्म्स हैं वो हम पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में एक बड़ा हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि पहले एक रिलेशन देखा कि जो वर्क डन है और पोटेंशियल एनर्जी वो दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव रिलेशन होता है। वर्क डन जो होता है वो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, और उससे हमारे पास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी उसका फॉर्मूला आया, माइनस में mgh या mgh, है ना। नीचे से ऊपर जाते हैं तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आता है, प्लस mgh आ जाता है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आता है, जिसको अपन माइनस में mgh से डिनोट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा। और अगर और देखें, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर थी, स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, हाफ के एक्स स्क्वायर आई थी। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आई। अब और थोड़ा इलोबरेट करते हैं, इससे पहले मैं एक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ले लेता हूँ। सिंपल सा एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का, बहुत ही फेमस, हाफ एम वी स्क्वायर, जो हम देखते आए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, फिर उसका फॉर्मूला लेते हैं। तो नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में के ई भी बोलते हैं, और ये गतिज ऊर्जा, इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया कि द एबिलिटी ऑफ एनी एबिलिटी टू डू वर्क बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, द एबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के अगर उसके अंदर एबिलिटी है वर्क करने की, तो वो क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई गाड़ी आ रही, गाड़ी आके किसी दूसरी गाड़ी को टक्कर मार रही है, तो दूसरी गाड़ी में कोई डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ, तो वो क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि पहली गाड़ी के अंदर कोई ना कोई मोशन था, कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी थी, यानी कि उसके अंदर कोई एबिलिटी थी दूसरी गाड़ी को मूवमेंट देने की। तो वो एबिलिटी क्या है उसकी, काइनेटिक एनर्जी की तरह उसको डिफाइन करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है वो तो जाएगा द एबिलिटी ऑफ द ability of any object to do work due to its motion, ठीक है। तो उसके motion के कारण जो उसकी ability होती है work करने की, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी kinetic energy बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं, और इसको के ई से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के ई हो गया। और इसका जो फॉर्मूला होता है, एक्सप्रेशन देखो क्या होता है इसका, इसको एक्सप्रेशन या इसका जो फॉर्मूला होता है जिससे अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आती है के ई इज इक्वल टू आता है हाफ एम वी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमारी काइनेटिक एनर्जी आती है, के ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। एम यहाँ पे क्या हो गया, मास, और वी हो गया यहाँ पे वेलोसिटी। अच्छा, ये फॉर्मूला आता कैसे होगा, है ना, इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको समझते हैं। जैसे आपने जो थर्ड लॉज ऑफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस होती है ना। तो देखो, इसके डेरिवेशन के लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन उस पे हम आते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, जो वी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, यू स्क्वायर
टू ए एस के इक्वल होता है या नहीं होता? होता है ना, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखो मैं टू का डिवाइड कर देता हूं पूरे में, तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई टू प्लस टू, टू का डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, केवल ए एस बच जाएगा, तो ये हो गया केवल ए एस। तो वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू प्लस ए एस हो गया, हुआ। अब देखो और आगे बढ़ते हैं, अगर मैं दोनों तरफ m का मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय m, मल्टीप्लाइंग बाय m, m का मल्टीप्लाई करते हैं देखो क्या हो जाता है, एम वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय टू प्लस एम ए इंटू एस, ये हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो मैं एम ए एस या फिर एम वी स्क्वायर बाई टू को ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से माइनस क्या हो रहा है, हाफ एम यू स्क्वायर हो रहा है, ये किसके इक्वल है, एम ए इंटू एस के इक्वल है ना। अब देखो एम ए तो क्या होता है, फोर्स नहीं होता क्या, एम ए क्या होता है, फोर्स होता है ना, एम ए तो क्या होता है, फोर्स, एम ए होता है फोर्स, ये हो गया फोर्स। तो F यहां पे अगर मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हो जाएगा। सर बट जो फॉर्मूला बना रहे थे उनके मन में M को काटने का विचार नहीं आया? आया था, देखो अब यहाँ पे इंस्पिरेशन देखो कहां से मिला, आया होगा, वैसे तो एम तो कटा हुआ ही था, फाइनल इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस है। अब यहाँ पे देखो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो गया। अब जो एफ इंटू एस है ये क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो क्या हो गया, वर्क हो गया ना, ये तो क्या हो गया, वर्क। यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है कि वो क्या होता है, वर्क होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा बात चमका, थोड़ा सा बात चमका क्या कि भाई वर्क यहाँ पे हो रहा है तो वर्क की वजह से तो एनर्जी में चेंज आता है, जैसा कि साइंटिस्ट लोग पहले से ये कंक्लूजन में ला चुके थे कि भाई वर्क जो है उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी में चेंज होता है। वर्क और एनर्जी एक दूसरे के अलग अलग फॉर्म है। तो यहाँ पे F into S इधर तो हो गया वर्क है ना, तो इधर ये जो फॉर्म आई है ये तो वर्क है नहीं, तो ये कोई ना कोई एनर्जी की फॉर्म होगी है ना, ये है हमारा वर्क, तो ये जो फॉर्म आई ये वाली फॉर्म ये तो क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए ना, तो इसी एनर्जी को क्या नाम दिया गया, हाफ एम वी स्क्वायर है, हमारे के समय हाफ एम वी स्क्वायर है, तो इस एनर्जी को क्या किया गया, काइनेटिक एनर्जी बोला गया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट क्या हो जाता है, नोट कि देखो हाफ एम वी स्क्वायर क्या है और हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, दोनों को अपन समझते हैं। या तो सर फिर रेस्ट से स्टार्ट कर लो, फिर सर हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ रेस्ट से स्टार्ट कर लो तो हाफ एम वी स्क्वायर वो जीरो हो जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, वर्क के बराबर हो गया। तो यहाँ से इंस्पिरेशन जाएगा कि कोई ना कोई हाफ एम वी स्क्वायर इस फॉर्मूले में भी क्या है, कोई ना कोई एनर्जी है, और क्योंकि वेलोसिटी की वजह से थी, डायरेक्टली मोशन की वजह से थी, तो इसको क्या बोला गया, काइनेटिक एनर्जी बोला गया। तो इसमें नोट क्या हो जाएगा कि इन राइट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड there is term of work, ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, वर्क की टर्म है, राइट हैंड साइड में देख सकते हो आप। एज वी नो वर्क एंड एनर्जी आर इंटरचेंजिएबल। वर्क और एनर्जी क्या है, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड टर्म्स मस्ट बी ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो लेफ्ट साइड टर्म, बहुत ही गजब की बातें बता रहा हूं, लेफ्ट साइड टर्म मस्ट बी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ
एनर्जी, ठीक है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, दिस फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इस एनर्जी की फॉर्म को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब देखो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर आया, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल ये तो गई कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर हो गई, एम यू स्क्वायर, क्योंकि यू इनिशियल वेलोसिटी है, तो उस इनिशियल वेलोसिटी से क्या आएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी। और जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है हमारी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे फाइनल है। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक में से इनिशियल जा रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये किसके बराबर हो गई, वर्क के बराबर हो गई। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वर्क थ्योरम बनती है, एक थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्क थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, इसको ध्यान से समझना, ये क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वर्क थ्योरम, ठीक है, गतिज ऊर्जा कार्य प्रमेय। ये थ्योरम क्या होती है कि कोई भी बॉडी पे, कोई भी बॉडी पे जो किया गया वर्क होगा ना, कोई भी बॉडी मान लो है, उस पे अपन कोई वर्क कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य का मान उस बॉडी में चेंज होने वाली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ये देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, जो इतना टर्म है इस टर्म को क्या बोल सकते हैं अपन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, अब 10 से बढ़ के 15 हो गई, तो आप पे वर्क डन कितना हुआ, 5 जूल का ही हुआ, सिंपल सी बात है। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है, ये काइनेटिक एनर्जी थ्योरम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेट वर्क डन, यानी कि कितना ही वर्क डन किया जा रहा है, मतलब कोई भी कहीं से भी वर्क डन ले आओ, है ना, उस नेट वर्क डन के इक्वल होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेट वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पे किया जाने वाला जो टोटल कार्य है उस कार्य के इक्वल होगी, नेट वर्क डन के इक्वल होगी, ठीक है। हिंदी में क्या हो जाएगा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस पर किए गए कुल कार्य के बराबर होगी। आई बात समझ में, ठीक है, तो ये हो जाएगा। जैसे देखो इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे देखो क्वेश्चन है कि मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक था, ये ब्लॉक है कोई, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, मान लो एक ब्लॉक लिया, ठीक है, ये ब्लॉक मान लो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये ब्लॉक मौजूद है, ठीक है, और इसके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी है, कोई मान लो दे रखी है हमारे पास वेलोसिटी v इज इक्वल टू है 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियली इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको v की जगह u भी लिख सकते हैं, पर v भी चलेगा कोई नहीं, और इसका मास जो है वो है कोई 2 kg, ठीक है। अब इसको जब आगे की ओर धक्का दिया गया, अब देखो अपन को फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा, बस इतना दे रखा है कि ये क्या है, एक स्मूथ सरफेस नहीं है, यानी कि ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, आई बात समझ में, ये सरफेस क्या है, रफ है, आई बात समझ में। तो सवाल ये है कि हाउ मच वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस मास व्हेन ऑब्जेक्ट स्टॉप मूविंग, तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां पे कहीं पे आएगा तो ये रुक जाएगा ना, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। जब ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे आ जाएगा, यहां से मान लो चल के यहाँ पे आएगा, यहां से चल के यहाँ पे आया, ठीक है,
तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी कोई, है ना। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, जीरो हो जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगा। अब हमें ना तो देखो फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है कि फ्रिक्शन कितना, म्यू नहीं दे रखा है ना हमें, ना फ्रिक्शन दे रखा है ना डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। अभी तक हमने जो मेथड सीखा है वो क्या सीखा है कि वर्क डन अगर निकालना है तो क्या करना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, लेकिन फोर्स और ना फोर्स दे रखा है ना डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फिर भी हमें वर्क निकालना है। तो सवाल क्या है, फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक, फाइंड आउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक अंटिल इट कम टू रेस्ट। जब तक वस्तु स्थिर अवस्था में नहीं आ जाती उस समय तक घर्षण के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो ये सवाल है कि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, और फ्रिक्शन देखो पीछे की ओर डेफिनेटली लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या है, पीछे की ओर है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन हमें ना तो फ्रिक्शन बताया गया कि कितना लग रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ नहीं बोला। हमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि हम जानते हैं वो जीरो योगी रुक जाएगा, और इसका मास दे रखा है 2 kg, और हमें आंसर निकालना है कि घर्षण बल द्वारा कार्य कितना किया जाएगा इस प्रश्न। तो देखो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी वर्क थ्योरम जो है उसी का ही यूज करेंगे, बहुत ही शानदार थ्योरम है, बहुत ही सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन समझिए इसका क्या होगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी वर्क थ्योरम क्या कहती है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये किसके इक्वल होती है, वर्क के इक्वल होती है, होती है नहीं होती है। अब देखो इस ब्लॉक पे जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे फ्रिक्शन के अलावा कोई फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा ना, केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है। इसका मतलब इस ब्लॉक पे अगर वर्क डन होगा भी तो कौन करेगा, फ्रिक्शन ही करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में तो फिर भी क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन लग रहा है, लेकिन अभी इसका मूवमेंट किधर है, इसका गति किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है। तो यहाँ पे एक बात हो जाएगी, बिकॉज ओनली फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, horizontal direction, so work will be done by friction only, friction force only। तो जो work है, जो कार्य है, वो केवल friction यानी कि घर्षण की वजह से ही किया जाएगा। आई बात समझ में ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें केवल क्या है, फ्रिक्शन ही एक्ट कर रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन ही एक्ट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको मूवमेंट में कौन वर्क करेगा, फ्रिक्शन ही वर्क करेगा। तो हम वही जो काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है उसका यूज करते हैं, और उसका यूज करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, जीरो है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, जीरो। माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ एम। एम कितना है, टू इंटू यू स्क्वायर, यू या वी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क। और ये वर्क किसकी वजह से आएगा, फ्रिक्शन की वजह से आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 100 जूल आ जाएगा वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का तो सर न्यूटन हुआ। ये वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है ना। मैं फ्रिक्शन फोर्स नहीं निकाल रहा, मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे, वर्क निकाल रहा हूँ। तो वर्क कितना आया, माइनस में 100 जूल आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, कोई ये जवाब दे सकता है क्या कि ये नेगेटिव क्यों आया, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन नेगेटिव क्यों है यहाँ पे, क्यों रोक रहे सर, वो आगे जाना चाह रहे फ्रिक्शन। हाँ देखो, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री है, तो डेफिनेटली नेगेटिव ही आना चाहिए था, और आया भी क्या, नेगेटिव आया। तो कितनी बढ़िया थ्योरम है, क्या आपको भी ये सोचना पड़ा कि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है,
नहीं सोचना पड़ा ना, फिर भी आपका आंसर किसको लेके आ गया, -7 में लेके ही आ गया। तो इस पे फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क डन हुआ, माइनस में 100 जूल हुआ, ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। बताओ समझ में आया क्या है, आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये जो वर्क डन है वो नेट जितने भी फोर्सेस है उन सबके वर्क डन के इक्विवेलेंट हो सकता था। ठीक है, जैसे मैं एक सवाल और ले सकता हूं, अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है 0.3, तो उस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। मान लो इसका सेकंड पार्ट सवाल का देखो क्या है, इन अबो केस, इसका सेकंड पार्ट, इफ इन अबो केस फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0.3, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रहा है कितना 0.3, यहां पे सेकंड केस ले रहे हैं म्यू कितना दे रखा है 0.3 दे रखा है मान लो, तो उस केस में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये सवाल है। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा ना कोई, मतलब ये रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये सवाल हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट डी की वैल्यू कितनी होगी, ये सवाल है। तो ये सवाल करें, सेकंड पार्ट है, इफ इन अबव केस फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0.3 देन बिफोर स्टॉपिंग हाउ मच displacement will covered by block, यदि block का जमीन के साथ घर्षण गुणांक 0.3 है तो रुकने से पहले block के द्वारा कितना विस्थापन तय किया जाएगा, ये सवाल है। तो कैसे करेंगे, कोई बता सकता है, इसका आइडिया दे सकता है, क्या होगा इसका सॉल्यूशन, इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या करने किया जाना चाहिए? हमारे पास क्या आ गया, वर्क आ गया क्या, F इंटू डी, देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मिलेगा, हमारे पास क्या आ गया, देखो वर्क आ गया, हमारे पास वर्क कितना है माइनस में 100 जूल, हमारे पास ये आ रखा है। अब वर्क का एक और एक्सप्रेशन हमें क्या पता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैं फोर्स का वर्क में डिवाइड कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एफ डॉट डी होता है ना, है ना, एफ डॉट डी होता है, अगर मैं फोर्स का डिस्प्लेसमेंट में इसमें वर्क में डिवाइड कर दूं डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी कि हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है, फोर्स कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स की देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कि फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना हो जाएगा इस केस में, म्यू एम जी नहीं हो जाएगा क्या, उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी के इक्वल, क्योंकि म्यू इंटू एन होता है और एन नॉर्मल रिएक्शन कितना है इसमें, एम जी के बराबर ही है। तो म्यू कितना हो गया 0.3, एम कितना है 2, इंटू कितना हो गया 10, कितना आ गया 6 न्यूटन आ गया ना, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है 6 न्यूटन है आ गया। अब देखो एफ डॉट डी और वर्क कितना है हमारा 100 जूल है, तो मैं वर्क की वैल्यू रख देता हूँ, देखो वर्क कितना रख गया माइनस में 100 जूल रख दिया, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है हमारा 6 न्यूटन है ना। अब देखो एफ डॉट डी है ना, तो एफ डी कॉस थीटा लेना पड़ेगा, एफ डी कॉस थीटा, और कॉस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 180 डिग्री नहीं है, फ्रिक्शन पीछे की ओर डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर, तो एफ डी कॉस 180 डिग्री लेंगे, एफ कितना हो गया 6, डी निकालना है और कॉस 180 की वैल्यू क्या हो गई -1 हो गई, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डी की वैल्यू कितनी आ गई 100/6 आ जाएगी, तो ये कितना आ गया 50/3, तो इसका जो नेट वैल्यू है वो कितना जाएगा 16.6, हाँ 16.6 मीटर आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझो, अच्छा अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट हमें पता होता, डिस्प्लेसमेंट मान लो दे देता 20 मीटर और ये पूछ लिया जाए कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या, तो निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, क्योंकि वर्क डन आ चुका है और उसमें क्या करोगे, म्यू निकालने के लिए एम जी का डिवाइड करोगे, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं ना, हमें क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, फाइनल तो जीरो है,
और हमें पता हो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो हमें म्यू पता लगाना हो तो पहले तो निकालेंगे वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को क्या लिखेंगे, म्यू एमजी लिखेंगे, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अपॉन एमजी हो जाएगी, या फिर वर्क हो जाएगा एफ अपॉन डी से फोर्स आ जाएगा, तो उससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना? तो नोट हो जाएगा, दिस एक्सपेरिमेंट या फिर दिस प्रॉब्लम कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है? इस एक्सपेरिमेंट का यूज हम घर्षण गुणांक निकालने में भी कर सकते हैं। ना सर, जब वर्क निकाल लिया होगा, दे रखा हो। हाँ, वर्क दे रखा हो तभी कर सकते हैं। देखो वर्क कैसे आएगा, मैं सारा स्टेप बता देता हूँ। देखो पहले तो आएगा वर्क, लेकिन वर्क कैसे आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, है ना? डेल्टा के ई हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से वर्क आएगा। अब वर्क आ गया, वर्क से क्या आएगा हमारे पास, फोर्स आएगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, वो कैसे आएगा, वर्क में जब हम डिस्प्लेसमेंट का डिवाइड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। जब फोर्स आ जाएगा तो फोर्स में हम क्या करेंगे, फोर्स क्या होता है हमारा, म्यू एमजी के बराबर होता है, तो म्यू निकालना है अगर, तो फोर्स में क्या करेंगे, एमजी का डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल म्यू की वैल्यू आ जाएगी। पहले तो वर्क आएगा, वर्क कैसे आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। फिर वर्क आ गया तो वर्क से फिर फोर्स कैसे आएगा, वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स आ गया, फोर्स से फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कैसे आएगा, एमजी का डिवाइड करने से, फिर से फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो इस तरह से कोई दो सरफेस हो, उनके बीच में अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना हो, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट का या फिर इस सवाल का हम यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आई बात समझ में? तो ये बहुत ही काम की बात हो गई। नेक्स्ट देखो, और आगे बढ़िया बढ़िया काम की बातें समझते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था हमने, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि कोई ऐसी एनर्जी जिसके वजह से किसी ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसकी जो एबिलिटी होती है वर्क डन करने की, वो क्या कहलाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट लेते हैं, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। बल तथा स्थितिज ऊर्जा में संबंध, ठीक है? बल तथा स्थितिज ऊर्जा में रिलेशन, फोर्स एंड एनर्जी इसमें आपका जो पोटेंशियल एनर्जी, उसमें रिलेशन हमें देखना है, ठीक है? कैसे होगा, देखो हमें यह पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है, माइनस ऑफ वर्क होती है ना। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होती है माइनस ऑफ वर्क होती है। अब देखो वर्क क्या होता है, वर्क होता है एफ इंटू एफ डॉट एस होता है ना, ऐसे होता है। या फिर वर्क का ये भी तो एक्सप्रेशन होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस होता है, नहीं होता? ये इंटीग्रल फॉर्म है ना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चेंज हो रहा हो तो इंटीग्रेशन से हम वर्क निकालते हैं, है ना? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो इंटीग्रेशन है वो भी क्या देता है, वर्क डन देता है। मान लो छोटे छोटे टुकड़े ऐड करने हो तो इससे वर्क का क्या आता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस आता है। तो मैं इस वर्क की वैल्यू यहां रख दूं, देखो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या आ जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पीई, ये क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस हो जाएगा ना। तो फोर्स क्या जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। तो एक तो रिलेशन आ जाता है ये काम का रिलेशन, कि अगर मान लो आपको फोर्स दे रखा है और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस करो, उसका नेगेटिव ले लो। अब देखो फोर्स दे रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इससे, लेकिन इसका उल्टा करना हो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो, अच्छा मैं पोटेंशियल एनर्जी को एक एक्सप्रेशन दे देता हूँ, इसको मैं यू बोल देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोला हमने, यू।
पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है वैसे यू इसको नाम दे देते हैं। अब मान लो हमें यू दे रखा हो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो और फोर्स निकालना हो तो क्या किया जाए, इस पे बात करें। देखो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें यू मिलता है। जैसे यू क्या हो रहा है, ये कब मिल रहा है हमें, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर रहे हैं ना। तो अब पोटेंशियल एनर्जी अगर दे रखी हो तो उससे फोर्स निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें उल्टा प्रक्रिया करनी पड़ेगी, है ना। हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इंटीग्रेशन से क्या मिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना हो तो हमें उल्टा करना पड़ेगा यानी कि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमें डिफरेंशिएशन जब हम पोटेंशियल एनर्जी का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर भी दूं ऐसे तो डिफरेंशिएशन से ये इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन को कैंसिल आउट हो जाएंगे। या फिर ऐसा देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी आती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इंटीग्रेशन से। अगर फोर्स लाना है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या आ जाएगा, यू इज कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, क्लियर हुई? ठीक है, तो जब हम, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे कि हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करना है उससे फोर्स मिले। देखो एक तो माइनस तो आएगा ही, यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में डी यू अपॉन डी एस आना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, देखो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। अब इंटीग्रेशन करके कोई क्वांटिटी आ रही है तो अगर हम मुझे मान लो फोर्स निकाल, फोर्स के इंटीग्रेशन से यू आया, अब तो यू के डिफरेंशिएशन से एफ नहीं आएगा क्या, तो वही सेम कर, एफ क्या हो जाएगा, माइनस में डी यू अपॉन डी एस आ जाएगा। और इसको देखो एक और यहाँ पे एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, देखिए ध्यान से समझना। ये तो हो गया सिंपल डिफरेंशिएशन, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे डॉट है, यानी कॉस थीटा भी तो है, यहाँ पे कॉस थीटा भी है, यानी कि हमें हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। तो डायरेक्शन का ध्यान रखने के लिए सीधा रिलेशन ये नहीं होता एफ इज इक्वल टू माइनस में डी यू अपॉन डी एक्स। यहाँ पे एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है एफ इज इक्वल टू माइनस में डेवा यू अपॉन डेवा एस। ये देखो डिफरेंशिएशन होता है, ये तो हो गया नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो हमने बेसिक में पढ़ा था, ये तो है नॉर्मल डिफरेंशिएशन साधारण जो अवकलन था वो हो गया। लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन है इसको बोलते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि आंशिक अवकलन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आंशिक अवकलन बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे होता है, इसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे किसी का भी पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला जा सकता है। अगर यू का एक्सप्रेशन दे रखा हो तो फोर्स कैसे निकाला जाए। ऐसा देखो क्यों किया गया, क्योंकि यू जो है, यू क्या है, एक तरह से वर्क ही है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क ही है, लेकिन फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें एक स्केलर का डिफरेंशिएशन करके वेक्टर क्वांटिटी लानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपको मान लो फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना है, क्योंकि फोर्स देखो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के एक्स कंपोनेंट होंगे, वाई कंपोनेंट होंगे, जेड कंपोनेंट होंगे। तो फोर्स का अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है तो जो भी एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का डी,
उसका क्या करोगे, आप x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दोगे। जब x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो फोर्स का क्या मिलेगा, x कंपोनेंट। ऐसे ही y के साथ अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, y कंपोनेंट मिलेगा। और ऐसे ही z एक्सिस के साथ अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको फोर्स का क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, z कंपोनेंट मिल जाएगा। अपन समझेंगे ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। पहले तो ये प्रॉब्लम समझना, प्रॉब्लम क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर के डिफरेंशिएशन से अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट होगा, है ना। जैसे आई कैप होता है, जे कैप होता है, के कैप होता है, तो फोर्स के भी क्या होंगे, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट यानी कि आई कैप वाला कंपोनेंट, y डायरेक्शन कंपोनेंट यानी कि y डायरेक्शन में कंपोनेंट, और z डायरेक्शन में कंपोनेंट यानी कि k कैप वाला कंपोनेंट। तो वो आएंगे कैसे, वो आएंगे जब हम x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x, y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y, और z के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो z आ जाएगा। अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है करने का, वो क्या होता है कि आप जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो जिसके रिलेटिव में कर रहे हो केवल उसी को वेरिएबल मानो और बाकियों को कांस्टेंट मानो, चाहे वो वेरिएबल भी है फिर भी उनको क्या मानो, कांस्टेंट ही मानो। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है ये हमें ध्यान रखना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन रूल, क्योंकि हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन रूल क्या होता है कि डू कंसिडर, कंसिडर कंसिडर वेरिएबल, वेरिएबल टू ओनली ओनली दैट क्वांटिटी बाय विच पार्शियल डिफरेंशिएशन अकर, पार्शियल डिफरेंशिएशन अकर। तो हमें केवल उसी क्वांटिटी को क्या मानना है, वेरिएबल मानना है जिसके रिलेटिव में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, रेस्ट क्वांटिटी को क्या मानना है, अलग, उनको कांस्टेंट मानना है। रेस्ट शैल बी कंसिडर्ड कांस्टेंट, रेस्ट शैल बी कंसिडर्ड क्या, कांस्टेंट। तो बाकियों को क्या मानना है, नियत मानना है कि यानी कि वो चेंज नहीं हो रही। ओके, एग्जांपल से समझेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा अपन को कि जिस राशि के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं, केवल उसे ही अचर मानो। वेरिएबल क्या हो गया, अचर, और कांस्टेंट क्या हो गया, अचर, अचर यानी कि जो परिवर्तनशील है, तो उसी को कांस्टेंट मानो, बाकी को कांस्टेंट ना मानो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको कोई फंक्शन दे रखा है यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई जेड दे रखा है, और एक्स स्क्वायर वाई प्लस y स्क्वायर z दे रखा है, मान लो ये ले लेते अपन, ठीक है। अब सवाल ये है कि फाइंड आउट, एक मिनट, अपना क्लास का टाइम हो गया तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, अपनी क्लास का टाइम हो चुका है वैसे, तो आज अपन इतना ही रखते हैं और ये सवाल नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपन, है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।